हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है रिमर टेमर रिएक्शन, दैट इज रिमर टेमर रिएक्शन। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इसमें हम देखेंगे हमारा कैसे जो फिनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा ऑक्सीबेंजाल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड में हमारा कैसे फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है हमारा वो कौन सी पोजिशन पे लगता है, ऑर्थो पोजिशन पे। तो इसके बारे में हम इसमें इलेबोरेट करके देखेंगे कि कैसे रिएक्शन कैसे बनी है। इन सिंपल वे एनसीईआरटी के अंदर हमारे सिर्फ एक वे में इसको कैसे लिखा जाता है वो हम ऐसे देखेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस रिएक्शन को डिस्कवर किसने किया। इट इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल रिमर एंड फर्डिनेंड टीमर। रिमर टीमर रिएक्शन इट इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल रिमर एंड फर्डिनेंड टीमर। ओके, एंड ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, किस टाइप से ये रिएक्शन लिखी जाती है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी व्हेन फिनॉल, व्हेन फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एक्वस NaOH, दैट इज व्हेन द फिनॉल in the presence of CHCl3 and aqueous NaOH, aqueous alkali लेनी है, इसकी जगह हम KOH भी ले सकते हैं। ओके, जब इसके प्रेजेंस में हम फिनॉल को ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में और aqueous alkali की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, पहले हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा हमारा, इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, ओके, और Na विल बी पॉजिटिव, ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव। एक बार लिख लीजिए, बाद में समझाऊंगी मैं आपको। Na विल बी पॉजिटिव, ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव, एंड इस पे हमारा जुड़ जाएगा CHCl2। ओके, और ये क्या हो गया हमारा इंटरमीडिएट, ये हमारा बनेगा, और उसके बाद हम NaOH के साथ इसकी अगेन रिएक्शन करवाएंगे। ओके, देन क्या बनेगा हमारा, एक बार आप लिख लीजिए, ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव CHO, यहां पे हमारा CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर हम इसकी अगेन एसिडिफिकेशन कराएंगे। ओके, अगेन एसिडिफिकेशन कराने में हमें क्या मिलता है, यहां पे हमारा OH और यहां पे हो जाएगा CHO, दैट इज एल्डिहाइड की हमारी प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिक ग्रुप से, अल्कोहलिक ग्रुप से ज्यादा होती है, इसलिए हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1, 2, तो क्या बनेगा हमारा नेम, इसका आ जाएगा 2-hydroxybenzaldehyde। और इसको हम क्या कहते हैं कॉमन नेम है सैलिसाइल्डिहाइड। वैसे ये नेम कई स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है, तो हम इसको आसान वे में याद करने का कैसे करेंगे, सैलिसाइल्डिहाइड। ओके, सो क्या कहते हैं हमारे, जब भी हम फिनॉल को ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में और एक्वस अल्कली की प्रेजेंस में, तो हमारा ये इंटरमीडिएट बनेगा। फर्दर हम इसको NaOH की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा, और उसके बाद हम इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमारा 2-hydroxybenzaldehyde या सैलिसाइल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं ये कैसे क्या हुआ है। ठीक, यहां से क्या हुआ है, हमारा OH ग्रुप है NaOH, OH यहां से हमारा निकल के इसके साथ जुड़ गया है, इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया है, इसको इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स देके ये हाइड्रोजन निकल गया।
ठीक है, और ये OH ग्रुप इसके साथ जाके माइनस वाटर निकल गया हमारा, और ये Na हमारा इसके साथ जाके जुड़ गया जो कि हमारी इस रिएक्शन में आपको शो हो रहा है। ओके, तो हम इसको अब इलेबोरेट करेंगे, ये कैसे बना है हमारा, ये सारी चीजों को हम इलेबोरेट करेंगे। एनसीईआरटी आपको ये ही दिखाते हैं, बस इतना दिखाते हैं कि ये ऐसे बना है और इसके साथ ये इंटरमीडिएट, ये यहाँ पे CH Cl2 इसके साथ ऐड हो गया है। हम सारा आपको अपनी इलेबोरेट करके दिखाते हैं अभी नेक्स्ट में। ओके, रब कर दो इसको, ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि हमें ये ऐसे ऐसे ये हमें सारी चीज मिलती है। तो अगर हम इसको इन शॉर्ट बोले, इन शॉर्ट हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, व्हेन वी ट्रीट फिनॉल, ओके, इन क्लोरोफॉर्म विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH एक्वस और KOH, देन वी विल गेट टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ओके, और सैलिसाइलल्डिहाइड, गॉट इट? मींस अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, व्हेन द फिनॉल इज ट्रीटेड विद द क्लोरोफॉर्म, ओके, CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किल NaOH और KOH बट इन एक्वस, ओके, सैलिसाइलल्डिहाइड इज फॉर्म, दिस इज फॉर्म। इन शॉर्ट अगर आपके CBSE में ICSE बोर्ड में अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हमें नाइट्रोजन टाइमर रिएक्शन बतानी है तो हम इन शॉर्ट सिर्फ इतना लिखेंगे, ठीक है। हम इसको आगे इलेबोरेट करके देखते हैं इसके, ओके, थ्री पार्ट्स में इसका मैकेनिज्म देखते हैं, हम मैकेनिज्म कि ये हुआ कैसे है। नाउ मैकेनिज्म, ओके, फर्स्टली विल ड्रॉ द रिंग फिनॉल, यहाँ पे हमारा कौन सा है OH ग्रुप ना, यहाँ पे हमारा OH ग्रुप है फिनॉल, ओके, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द NaOH, NaOH, तो ये क्या है, NaOH क्या है, हमारा एसिडिक बिहेवियर देगा, NaOH हमारा एसिडिक बिहेवियर देगा, इससे कौन बाहर निकल जाएगा, OH नेगेटिव, यहां से हमारा कौन बाहर निकल जाएगा, OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव जाके और यहां से हमारा कौन बाहर निकलेगा, H, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहां से कौन बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव जाके इसके साथ मिल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वाटर H2O, H2O निकल गया हमारा, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, यहाँ पे Na, तो क्या बन गया हमारा, O नेगेटिव। दोबारा समझाओ, यहाँ पे हमने फिनॉल की रिंग ली, यहाँ पे OH बॉन्ड है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे NaOH, NaOH एक्वस NaOH के साथ हमने इसको ट्रीट किया तो क्या हुआ, एक्वस NaOH का एसिडिक बिहेवियर होने के कारण, सॉरी, और यहाँ से, सॉरी, एसिडिक बिहेवियर होने के कारण यहाँ से OH इसका ग्रुप निकल के इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से इसने अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया और इसके साथ अटैच करके ले लिया। Na पॉजिटिव और मेरे सिस्टर का यह कहता है Na पॉजिटिव, Na नेगेटिव, ये OH नेगेटिव यहां गया और इसके साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन को इससे पॉजिटिव आ गया और ये OH के साथ जुड़ गया तो इसमें से वाटर निकल गया, ओके, देन इसमें ये क्या बना है, हम इसको पर्टिकुलर ये बना है, इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड फिनोक्साइड, फिनोक्साइड आयन, ये हमारा एक फिनोक्साइड आयन तैयार हुआ है, ओके, अगेन अब देखिए कैसे बनाइए, फिनॉल रिंग ली, OH यहाँ पे है, NaOH, NaOH के साथ ट्रीट किया, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक करैक्टर
यहाँ से Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव निकल के यहाँ से अपना हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया और इसके साथ निकल के वाटर बाहर निकल गया है. तो ओके ये वाटर कम्स आउट एंड देन इसके साथ क्या जुड़ गया हमारा ऑक्सीजन ने अपने इसके जो वो इलेक्ट्रॉन थे इसके ऑक्सीजन ने ले लिया तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज. तो ये क्या बन गया हमारा इंटरमीडिएट, ये फिनॉक्साइड आयन. ओके ये फिनॉक्साइड आयन नोट डाउन कीजिए से, ये हमारा है फर्स्ट स्टेप कैटालिज्म का. ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बनता है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल से हमारा क्या बनता है फिनॉक्साइड आयन. इन फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ हमारा फिनॉल से फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन. ओके नोट कीजिए इसे प्लीज. ओके नॉट इट, इन सेकेंड स्टेप में क्या लेना हमारा कार्बिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस रिएक्शन का. कार्बिन के बनाने के लिए क्या करेंगे हम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं Cl 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 और यहाँ पे H. ओके क्लोरोफॉर्म को अगर हम रिएक्ट करेंगे एल्कली के साथ सॉरी NaOH के साथ NaOH. ओके क्लोरोफॉर्म को हम रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ जो सेम पिछले प्रोसीजर में हुआ था Na पॉजिटिव OH नेगेटिव. ठीक है ये क्या करेगा सॉरी Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव जाके इस हाइड्रोजन के साथ हमारा वाटर आउट कर देगा, वाटर बना लेगा ये इस हाइड्रोजन के साथ. ये हाइड्रोजन अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन को देगा, कार्बन पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज. तो ये कैसे बन जाएगी हमारे C, इसके जो यहाँ पे इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज Cl Cl Cl. ओके यहां से हमारा वाटर निकल गया. ओके तो ये जो हमारी ये जो स्पीसीज बनी है इस पे जो कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है. कार्बन अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन सॉरी कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं पसंद करता. ओके कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकता, इसका बहुत ही तगड़ा प्लस आई इफेक्ट है. प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला इफेक्ट. कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत छोटा सा हो गया है फिर भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं बर्दाश्त कर सकता. तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्लोरीन को देंगे और क्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन फटाक से झपटने वाला है क्लोरीन. ओके ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देंगे तो यहां से हम क्या करेंगे क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन से ले लिए देन क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. तो देन आफ्टर देन यहां पे क्या बन जाएगा हमारा सी क्लोरीन क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन पे हो गया नेगेटिव चार्ज और ये निकल गया. ओके ये निकल गया और यहां पे क्या बन गया क्लोरीन क्लोरीन विथ टू लोन पेयर्स सॉरी लोन इलेक्ट्रॉन्स. ओके नो नेगेटिव चार्ज, इस पे आपने देखा कि कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है क्लोरीन के ऊपर. ओके ये देखिए एक बार प्लीज नोट डाउन कीजिए इसे. ओके इसके ऊपर नेगेटिव
नेगेटिव चार्ज नहीं है। जो हमारी ये जो स्पीशीज बनी है इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारी ये स्पीशीज बनी है इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे कार्बीन। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज, इसको हम क्या बोलेंगे कार्बीन। मीन्स दो क्लोरीन है तो मतलब क्या आएगा, डाई क्लोरो कार्बीन। क्या बनेगा ये, डाई क्लोरो कार्बीन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसीज है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। आपने इस पे नोट डाउन किया कि इस कार्बन पे अब कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इट्स अ न्यूट्रल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इट्स अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर है ये। ओके, अब ये बताओ मुझे, ये जो कार्बन हमारा बना है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड है? यस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपने दो और इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दो और बॉन्ड बना के ये अपनी वैलेंसी पूरी करना चाहेगा ना। ओके, सो इसका जो नेक्स्ट हमारा आएगा, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारा, जो हमारा पहले जो क्या बना था, फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन बना ले, सॉरी यहां पे क्या था, ओ नेगेटिव। ओके, फिनोक्साइड आयन ओ नेगेटिव था यहां पे, यहां पे हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये कार्बिन के साथ। ओके, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स शो कर दे इसके, क्लोरीन क्लोरीन, ओके क्लोरीन क्लोरीन, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट Cl2 लिख सकते हैं इनको, CCl2। ओके, देन क्या होएगा इसका, इसमें क्या होएगा कि इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, जो ये फिनोक्साइड क्या होता है, मैं एक बात बताना भूल गई, फिनोक्साइड जो आयन यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप पे बना था वो एक इलेक्ट्रो रिच कंपाउंड है। इलेक्ट्रो रिच मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड बना के, पाई बॉन्ड हमारा बहुत ही वीक होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ठीक है। जो ये बना था फिनोक्साइड आयंस, ये इलेक्ट्रॉन की भरमार है, पाई बॉन्ड्स आर वीक इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर क्या करेगा ये CCl2 हमारा यहाँ पे अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। पैरा पे क्यों नहीं अटैक किया, ये सारे डाउट्स आपके लास्ट में मैं क्लियर करूंगी। ओके, यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के साथ भी क्यों नहीं रिएक्ट किया, एट लास्ट आई विल टेल यू। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसको इसके साथ यहाँ पे अटैक करने के बाद यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी अवेलेबल होगा, क्योंकि बेंजीन पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों यहाँ पे बॉन्डस पे है अवेलेबल। बेंजीन का क्या होता है, C6H6, फिनोल का C6H5OH, यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन भी है। देन हम इसको कैसे शो करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ओ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा CCl2, और यहाँ पे क्या होगा हमारा हाइड्रोजन भी है अवेलेबल। ओके, कैसे हुआ ये, यहाँ पे क्या था क्लोर, यहाँ पे इसने क्या दिया ऑक्सीजन, ये जो वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ शिफ्ट हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए हैं। ओके, देन क्या हुआ, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज गया डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, इसके साथ सिंगल बॉन्ड मिला के CCl2, यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन भी होता है। ओके, अभी भी इसमें क्या है, इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, अभी यहाँ पे ये न्यूट्रल था, यहाँ पे इसने आके इसके साथ अटैच हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और CCl2 ने यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, और इसकी वैलेंसी पूरी होगी, एक दो तीन चार, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, ऑक्सीजन पे हमारा कोई चार्ज नहीं है। ओके, देन क्या आएगा, CCl2 नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं रह सकता, CCl2 नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं रह सकता, अभी बताया कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं चाहता है, तो क्या करेंगे हम,
क्या करेंगे, कार्बन ये कहेगा कि हाइड्रोजन तो मेरे साथ आ जा, कार्बन कहेगा हाइड्रोजन तो मेरे साथ आ जा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देके कहता है अपने इलेक्ट्रॉन्स देके मैं अभी आता हूँ। ओके, अब कार्बन ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। ओके, फिर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अगेन ऑक्सीजन को वापिस मिल जाएंगे, वही पहले वाले प्रोसेस रिपीट होगा। देन क्या होगा इसके अंदर, देन क्या बन जाएगा हमारा, अगेन फिनोक्साइड आयन बन जाएगा बट इन डिफरेंट पोजिशन। सिंगल बॉन्ड हो नेगेटिव, वेट अ मिनट, ओ नेगेटिव दैट इज सी, यहां पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा सीएल सीएल। ओके, यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया है और सीएल सीएल मैंने इसको इलाबोरेट कर दिया। ओके, देन क्या है यहाँ पे हम इसको फिर किसके साथ ट्रीट करेंगे, टू मोल्स ऑफ NaOH। ओके, देन क्या बन जाएगा हमारा, टू मोल्स ऑफ NaOH के साथ इसको ट्रीट करने के बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ पे इसका H वाला है इसके साथ OH ग्रुप जुड़ गया, नेक्स्ट CH OH OH, ये दो Cl2 निकल गए, इसके ये जो दो Cl है ये यहाँ पे जुड़ गए। ओके, अब कैसे क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास हमारा जो ये CCl2 है ये यहाँ पे ही क्यों ऐड हुआ, ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं ऐड हुआ, यहाँ पे क्यों ऐड हुआ ऑर्थो पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास हमारा बहुत ही तगड़ा प्लस एम इफेक्ट है। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर धकेलने की क्षमता, प्लस एम इफेक्ट ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर वापिस धकेल दिए और इसमें क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके अगेन, और इलेक्ट्रॉन को जो रिंग में धकेलने की क्षमता है अभी मैंने बताया वो ऑक्सीजन के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, तो इसलिए फिर यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे अटैच नहीं हुआ, ठीक है CCl2। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि कार्बन के ऊपर हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल क्यों, क्योंकि कार्बन एक हमारा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन एक हमारा बेटर न्यूक्लियोफाइल है ऑक्सीजन के कंपेयर में, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन बर्दाश्त कर सकता है बट कार्बन बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिकॉज कार्बन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। ओके, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होते क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दें इजिली टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। ओके अगेन और एट लास्ट क्या होगा इसी में, चलो इसको रब कर दू, ये नोट डाउन कर लिए, एक बार दोबारा से आप देख लीजिए, दोबारा से आप देख लीजिए, NaOH के साथ ट्रीट किया OH नेगेटिव निकल के H के साथ जुड़ के माइनस H2O निकल गया और इसमें क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होके इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, देन यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन्स Cl को दीजिए, Cl इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन ऊपर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकता है, दैट्स व्हाई इसके इधर इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन एंड द क्लोरीन से नेगेटिव चार्ज होने के बाद क्लोरीन इसमें से हट गया है, Cl नेगेटिव हट गया है, तो ये एज ए न्यूट्रल कंपाउंड बन गया जिसको हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। ओके, डाइक्लोरोकार्बिन अगेन इन फिनोक्साइड आयन जो हमारा था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अगर हम इसके अंदर डाइक्लोरोकार्बिन के साथ इसको रिएक्ट करा लें तो इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, तो ताकि की कार्बन डाइक्लोरोकार्बिन कहाँ रिएक्ट करेगा हमारा ऑर्थो पोजिशन पे हमेशा ही, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि क्यों कराए ऑर्थो पोजिशन पे ही कराए, तो इसके बाद यहाँ पे हमारा H भी होता है, तो H क्या हुआ हमारा, H ने हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको वापस दिए, इस पर डबल बॉन्ड आ गया था जो, और इसने भी इलेक्ट्रॉन्स इसको
ऑक्सीजन को गेन दीजिए, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, एच ने इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन CCl2 के साथ ऐड हो गया, और CCl2 के साथ H ऐड होने के बाद हमने H2NaO small के साथ इसको ट्रीट किया। अगेन हमारे पास क्या बन गया, ये OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया और COOH। अब ये जो ऐड हुआ है, जब भी हमारे कार्बन के साथ दो OH ग्रुप आपको दिखे तो बिना कुछ सोचे समझे उसमें से हम वाटर निकाल देंगे उसमें से, ओके उसमें से वाटर आउट कर देंगे, यहां से हमारा वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा इसका माइनस का H2O, माइनस का H2O, देन विल गिव, इट विल गिव, इट विल गिव व्हाट, लुक एट दिस, O नेगेटिव CHO, ओके OH निकल गया, CHO बचा, यहां पे O नेगेटिव आ रहा, गॉट इट, सॉरी सॉरी ये ओ नेगेटिव है ना, यहां से जो ओ एच थे दो सी एल निकल के ओ एच के साथ जुड़ गए, ठीक है ओके। यहां से दो हमारे सी एल आउट हुए, ये दो सी एल निकल गए बाहर और ओ एच इनके साथ जाके जुड़ गया, ओके। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट केस यहाँ पे हमने H2O इसमें से आउट हो गया है, बिकॉज एक बात हो, जब एक हमारे कार्बन के साथ दो OH ग्रुप हो तो इनके बीच में दो OH ग्रुप के बीच में तगड़ा रिपल्शन होता है, ये रह नहीं सकते एक दूसरे के साथ, इसमें से इसमें वाटर एग्जिट हो गया और बचा हमारा पिनोक्साइड आयन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप एड हो गया। अगेन हम इसको एसिडिफिकेशन करेंगे, इसका हम एसिडिफिकेशन करने पे, एसिडिफिकेशन करने पे हमें इसका क्या मिला, एसिडिफिकेशन करने पे हमें इसमें मिला ओ एच सी एच ओ, व्हाट इज दिस, सैलिसाइल्डिहाइड, एसिडिफिकेशन पे हमें ये मिला इसका, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, ओके नोट कीजिए इसे प्लीज। नोट डाउन कीजिए प्लीज फटाफट। नोट डाउन हो गया है, अगेन रिवाइज करवाने हैं। इन शॉर्ट मैं एक बार ये सारा रब कर लेती हूँ, मैं बताती हूँ फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हुआ था, हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था हमारा, यहाँ पे था हमारा ओ एच ग्रुप था, एनए एच के साथ ट्रीट किया था, यहाँ से ओ एच निकल के माइनस एच टू हो गया था, यहाँ पे हमारा क्या बना था फिनोक्साइड आयन, गॉट इट। बस हमने ये इसमें इतना ही किया था कि यहाँ से हमारा H निकल गया और यहाँ से OH निकल गया और ये फिनोक्साइड आयन बना था हमारा। इन सेकंड स्टेप क्या बना था हमारा, वेट, इन सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या बना था हमारा, क्लोरोफॉर्म लिया था हमने, CHCl3 लिया था हमने, CHCl3 को हमने अगेन इसके साथ ट्रीट किया NaOH के साथ, जिसमें से अगेन वही सब रिपीट हुआ, H2O निकल गया इसके साथ कंबाइन करके, OH के साथ कंबाइन करके H2O बाहर आ गया, ठीक है। और इसने जब इस इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए तो इस पे आ गया हमारा क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज Cl Cl Cl, ओके। इसने इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ कंबाइन किया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिया तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज कार्बन पे बर्दाश्त नहीं है, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। तो इसमें क्या किया, अपने नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। क्लोरीन बहुत ही सकिंग टाइप का नेचर है इसका क्लोरीन का। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स फटाक से ले लिए और तब क्या हुआ, माइनस क्लोरीन बाहर निकल गया नेगेटिव चार्ज के साथ और क्या बच गया हमारा C एंड क्लोरीन, क्लोरीन हेयर एंड कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन। इसको अपनी बैलेंस पूरी करने के लिए दो और बॉन्ड चाहिए, कार्बन को अपनी बैलेंस पूरी करने के लिए दो और बॉन्ड चाहिए। ये एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर है ये। ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और सबसे बड़ी बात है ये न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल कंपाउंड। ओके, इसमें कोई चार्ज नहीं है, अब ये न्यूट्रल है और उसको हम कहते क्या है, डाई क्लोरो कार्बिन। ओके, थर्ड में हमारा क्या हुआ था, थर्ड में हमारा क्या हुआ था, जो हमारा फिनोक्साइड आयन बना था, थर्ड में हमारा क्या होता, जो हमारा फिनोक्साइड आयन बना था ओ नेगेटिव, जो हमारा फिनोक्साइड आयन बना था हम इसको डाइक्लोरोकार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, जब डाइक्लोरोकार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा इस पे ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्ट करेगा। ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्ट करने के लिए क्या करा था, ये ऑक्सीजन ने जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है इसको यहाँ डोनेट किए और इसके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट हुए, देन इसके ये कहाँ पे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे। ओके, देन क्या पोजीशन हमारी, इसके क्या बनेगी, क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे क्या गया, डबल बोन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स वापस कर दिए, ओ के साथ डबल बोन आ गया। ठीक है, यहाँ पे एच था इसने तो सी के साथ क्या जुड़ गया, एच Cl2 एज इट इज Cl2। ठीक है, ये क्या बन गया, इस पे कौन सा वो, सॉरी इस पे कौन सा वो आ गया है चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे HB है, सॉरी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लिए हैं, जो इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिए थे उसने कार्बन में वो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं रह सकता, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस दे देगा यहाँ और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ पे चले जाएंगे। ओके, ये डबल बॉन्ड है, ये फिर अभी टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, लाइक दिस, सिंगल बॉन्ड अगेन फिनोक्साइड बन गया है, बट इसके साथ कार्बन के साथ यहाँ पे एच भी जुड़ गया है साथ में, अब इस पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, अब इस पे कोई चार्ज नहीं है बट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब हम इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, टू मोल्स ऑफ NaOH, विल ट्रीट इट विद द टू मोल्स ऑफ NaOH, दो मोल्स के NaOH के साथ ट्रीट किया है, तो यहाँ पे दो क्लोरीन है, ये क्या करेगा हमारा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा और जो ये क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता इनकी बहुत ज्यादा है, तो इस पे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या निकल जाएंगे हमारे Cl नेगेटिव, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जो आयन है ये एज इट इज रहेगा, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH। ओके, OH और यहाँ पे H एज इट इज है, OH को NaOH के साथ अगर हमने ट्रीट किया, इट्स अ सिंपल, यहाँ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापिस दे दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर दे दिए वापिस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड पे इसने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, नेगेटिव चार्ज कार्बन ने अपने नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए वापिस इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, तो फिर सी पे क्या आ गया, एच आ गया, सी के पास एच आ गया, सी एल आ गया, इसके साथ हमने टू NaOH के साथ इसको ट्रीट किया, दो NaOH यहाँ से जाके इन दोनों के साथ जुड़ जाएंगे और Cl2 निकल जाएगा, माइनस Cl2, उसके बाद हमारे क्या आते हैं, दो NaOH बॉन्ड हमारे साथ में नहीं रह सकते हैं, रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, इसमें से हमने वाटर हटा दिया है, वाटर हटाने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन के साथ हमारा जुड़ जाएगा,
इनऑक्साइड आयन के साथ हमारा जुड़ जाएगा CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप। फिर इसकी हम एसिडिफिकेशन करेंगे H पॉजिटिव के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, एट लास्ट विल गेट द 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड, सॉरी सैलिसाइलिडिहाइड OH और यहाँ पे बन जाएगा CHO। एट लास्ट ये हमारा एक कंपाउंड बनेगा, एक बार नोट डाउन कीजिए प्लीज। नोट डाउन कीजिए प्लीज। अब बात आती है कि पैरा पोजिशन पे हमारा क्यों नहीं बना और ऑर्थो पे क्यों बना। क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस नॉट पैरा। ये क्वेश्चन हमारे बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। इसके दो रीजन है, पहला ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, ड्यू टू इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इसपे ऑर्थो पोजिशन पे बनती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ध्यान रखना, पैरा पोजिशन पे हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है। कैसे देखिए, ठीक है, ये हमारा था OH, ठीक है, फिनोल था, हमने क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया है HCl-NaOH, तो क्या बना था हमारा, सॉरी क्या बना था हमारा, यहां पे था O, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं H, ठीक है, और यहां पे था C डबल बॉन्ड O H, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अगर हमारा ये CH किस पे लगा है, ऑर्थो पोजिशन पे लगा है, तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, क्योंकि इसमें स्लाइटली कौन सा चार्ज आएगा, इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो क्या बन गया ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि ये वाला जो कंपाउंड बनेगा ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू पैरा। मोर स्टेबल है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल है, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये कंपाउंड हमारा ज्यादा बनना चाहेगा, दैट्स व्हाई ये ऑर्थो पोजिशन पे वो लगता है, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है इसका कि जो प्लस एम इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पे होता है हमारा, और प्लस आई इफेक्ट होता है मोर एट ऑर्थो एंड लेस एट पैरा, ओके। सो अभी समझाते हैं प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। ये है हमारा फिनोक्साइड आयन, ओके, दिस इज अ फिनोक्साइड आयन CCl2 के अंदर अगर हमने इसको रिएक्ट कराया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये वाला जो है हमारा यहां पे लगेगा, हमने यही देखा अभी तक कि ये ऑर्थो पे लग रहा है, ये पैरा पे क्यों नहीं लगा, ये कहना चाह रहे हो क्यों लगा ये ऑर्थो पे, देखते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लस आई इफेक्ट है वो हमें क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, ये किस में ज्यादा होता है, ऑर्थो पे ज्यादा होता है। ऑर्थो पे क्यों ज्यादा होता है, जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस इंडक्शन इफेक्ट, प्लस आई को क्या कहते हैं, इंडक्शन इफेक्ट, ये क्या होता है, ये कहता है डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। ये नोट डाउन कीजिए प्लीज, प्लस आई इफेक्ट हमारा डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, ओके, प्लस आई इफेक्ट हमारा डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस,
पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नीचे हैं एज कंपेयर्ड टू पहला पोजीशन, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या जो ये सीसीएल टू ब्रोमीन ग्रुप है यहाँ पर अटैक करेगा नॉन टैक पहला पोजीशन, ठीक है। इसलिए हमारा ऑर्थो ग्रुप पे ही जो हमारा कंपाउंड बनेगा सब्स्टिट्यूशन बनेगा वो ऑर्थो पे बनेगा। जल्दी इसका नोट डाउन कीजिए। और सेकंड इसका है जो प्लस साइन इफेक्ट है वो दोनों पे हमारा सेम रहेगा ऑर्थो पे और पैरा पे। प्लस साइन इफेक्ट हमारा रेजोनेंस वाला जो इफेक्ट है वो दोनों पे सेम रहेगा ऑर्थो पे पैरा पे, लेकिन जो प्लस साइन इफेक्ट है वो ऑर्थो पे ज्यादा रहेगी, जो ऑर्थो पे ज्यादा रहेगी और पैरा पे कम, इसलिए हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है, सॉरी इसलिए हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होता है एज कम्पेयर टू पैरा। ओके देन एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके भी आप पे एट लास्ट। अगर आपके सॉरी मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का कोई क्वेश्चन आता है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में तो हमें इन सिंगल एक ही पॉइंट में लिखना है कि कैसे हमारा फिनोल है रिएक्ट करते हुए सीएल इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोसैमिनेस को हमारा बन जाता है टू हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड। ओके साइडाइड अगर हमारा क्या होता है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन तो उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म डिस्कवर्ड बाय हूं जो मैंने आपको बताया था फिर मैकेनिज्म और उसके बाद एक एग्जांपल लेके आप अगर उसको मतलब उस क्वेश्चन को आप इलेबोरेट करके लिखेंगे तो आपको बहुत डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो एक इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं लास्ट। विल टेक इट एग्जाम्पल विल टेक इट फिनॉल ओ सी एच थ्री इसके साथ हमने जोड़ दिया ओ सी एच थ्री फिनॉल ओ सी एच थ्री ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH एक्वस ठीक है हमें तीन वो मिलते हैं हमें ऑप्शंस कौन सा ऑप्शंस बनेगा वो हमें बताएगा प्लीज। यहाँ पे OH इसके साथ जुड़ा है OCH3 इसके साथ जुड़ा है CHO ठीक है बी ऑप्शन है हमारा। यहाँ पे जुड़ा है OH यहाँ पे जुड़ा है OCH3 यहाँ पे जुड़ा है CHO ठीक है सी ऑप्शन है हमारा OH यहाँ पे जुड़ा है OCH3 और यहाँ पे जुड़ा है CHO कौन सा इसमें कोप करा क्या एक बार बताइए आप। इसमें आएगा सी इज आर करेक्ट आंसर। सी इज आर करेक्ट आंसर क्यों ऐसा क्यों हुआ ऑर्थो पोजिशन पे आपने कहा था कि ऑर्थो पोजिशन में जुड़ना है तो हमने ऑर्थो पे जुड़ा है इसमें भी क्यों ऐसा क्यों हुआ हमारी एक कंडीशन है ऑर्थो पोजिशन की एक कंडीशन है ऑर्थो पोजिशन की क्या कंडीशन है अगर कहते हैं इन एनी केस ऑर्थो पोजिशन इज प्री ऑक्यूपाइड अगर ऑर्थो पोजिशन पहले से ही ऑक्यूपाइड है ऑर्थो पोजिशन इज प्री ऑक्यूपाइड देन द सब्स्टिट्यूशन विल टेक्स प्लेस एट पैरा पोजिशन नॉट एट ऑर्थो पोजिशन क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे अगर दूसरा भी कंपाउंड डालेगा तो रिपल्शन बहुत होगी और वो अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई अगर ऑर्थो पे पहले से ही कोई अटैच है साथ में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो किस पे होगी पैरा पोजीशन पे नॉट एट ऑर्थो पोजिशन। सो सी इज आर करेक्ट आंसर। ओके ठीक है एट लास्ट अगर आपका क्वेश्चन आता है सीबीएसई में या फिर आईसीएसई में सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में अगर आपका रिएलमेंट इमेन रिएक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या लिखना है फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हूम ओके सेकेंड मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप ओके थर्ड जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया ओके अगे एट लास्ट हम इसके एक बार शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं जो हमें चीजें याद रखनी है इस मैकेनिज्म में जो बहुत इंपॉर्टेंट है
सीरीज में हो जाता है, डिस्कवर्ड बाय कार्ल श्रीमर एंड फिनेन टीमैन। ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये क्या होती है, यूज फॉर ऑर्थो फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल कहाँ पे बनता है, ऑर्थो पोजिशन पे मिलता है। और क्या है, इसकी बेंजीन जो रिंग है हमारी, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करती है। क्या आपको पता है, बेंजीन रिंग हमारी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करती है, और ऑर्थो पोजिशन पे हमारा जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्शन इफेक्ट जो डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम डिस्टेंस ज्यादा करते रहते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी आपको। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट रिएक्शन लाइक कोल्ड बेस रिएक्शन। ओके एंड फ्रीडम।